अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा कुरैशी है। इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियो वायरल किए हैं जो तकलीफ़ें मैं सह रही हूँ और जो ज़्यादती मेरे साथ हो रही है। हमारा जो भी ये प्रॉब्लम है ये 2016 से चल रहा है और अब तक मुझे लगता है मैंने 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई कंप्लेंट हम पर हो चुके हैं और हमारा आपस का जो मामला है वो हम लोग ये उम्मीद के साथ चलते हैं कि आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, पर आज की तारीख में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि आपस का मामला आपस का नहीं रहा। मेरे देवर का सपोर्ट लेते हुए वो अगर शायद ये कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी पता नहीं चलता है। दूसरे लोग आजकल इसके बीच घुसे हुए हैं जिनका नाम इमरान अमान शेख और मुश्ताक अमान शेख है। ये दो भाई, इनके मैंने RTA डाल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी निकाले हैं। पहले भी इन पर ऐसे बहुत सारे केस हैं जो जगह हड़प करना और लोगों के साथ में झूठे झूठे केस बनाना, लोगों को झूठे केस में फंसाना और किसी के भी गाड़ी तोड़ना, किसी की भी गाड़ी चलाना, जला देना। इमरान अमान शेख, इसने पहले भी किसी की गाड़ी जलाई है, जो वडाला का आदमी है उसके भी डिटेल्स मेरे पास है। एक रफ़ीक भाई जिनका अमान चिकन सेंटर है, उनके साथ में भी इन लोगों ने जो कुछ किया था उसके भी डिटेल्स सारे मेरे पास हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, खासकर CP साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर, पुलिस स्टेशन में रोज़ ये हो गया कि एक उनकी NC, एक हमारी NC, एक उनसी इंसान कमाने खाने के काबिल नहीं रह गया। 25 साल मैंने अपना प्रोफेशन संभाला है और 25 साल से मैं एक बिज़नेस लेके चल रही हूँ, मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई है। इतना सताया जा रहा है कि जिसकी हद नहीं है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरी हेल्थ ख़राब की जा रही है, मेरे बच्चों पे झूठे झूठे केस किए जा रहे हैं। मैं दूर नहीं जाऊंगी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने की मेरी वजह एक है, रमज़ान जैसे रमज़ान में 3 तारीख को एक ऐसा झूठा केस हुआ कि जिसकी कोई वजह ही नहीं रही और पुलिस ने ना उनसे कुछ पूछा। उसके बाद मैंने खुद भी एक FIR लॉन्च कराया, जो हकीकत थी वो बताया। उस FIR में इमरान अमान शेख पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है, वो पुलिस स्टेशन के खुद कैमरे में आ रहा है। मैं झूठ किसी को नहीं बता रही हूँ। जब तक मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, यहाँ पर मेरे बेटे ने गाड़ी खरीद किसी की सेल करने के लिए लाके खड़ी है, फरारी गाड़ी है जिसमें उसको 50,000 1,00,000 रुपये मिल सकता था। मैं जब तक पुलिस स्टेशन में हूँ उस गाड़ी पे पत्थर मार के चले गए। वहाँ से मैं राजावाड़ी हॉस्पिटल जाती हूँ अपने मेडिकल के लिए अपने शोहर के साथ। बड़ा वाला बेटा मेरा, उसका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ हुआ है और वो चल नहीं पा रहा है, उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है, वो जगह पर मौजूद नहीं है। छोटा वाला बेटा कहीं है, बैठा है, जो प्रूफ मैं दे सकती हूँ कि वो कहाँ बैठा है। यहाँ पर कोई मौजूद ना होने के बावजूद मैं केस कर रही हूँ। इमरान अमान शेख पे केस होते ही इमरान अमान शेख की भाभी भाग कर जाती है रात में 1:30 बजे और ये कहती है कि मुझे रशीद ने गाली दे दिया, मुझे वसीम ने मारा, मुझे रशीद के पापा ने मारा। पुलिस ये ज़रूरी नहीं समझती है कि रशीद कहाँ है, रशीद का पापा कहाँ है। भाई, रात में 1:30 बजे हमारे पास एक लेडीज आई तो हमने FIR ले लिया, हमने NC भी नहीं ली। अब आप आओ और हमको स्टेटमेंट देते रहो और जब हमको सही लगेगा कि आप नहीं थे तब आप इसमें से निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मुझ पर भी थी, मैंने FIR दिया तो उसमें इमरान अमान शेख है। वो FIR रुबीना कुरैशी, असलम कुरैशी, मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी और रुबीना का भाई वसीम शेख और इमरान अमान शेख, जबकि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, अंदर जा रही हूँ, गेट पे खड़े रहकर इमरान अमान शेख बोल रहा है। इसका तो मर्डर करना ही पड़ेगा, जब तक ये मरती नहीं हम लोगों को जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाजू में खड़े रह के मेरा जेट बोलता है, अरे यार इसका मर्डर तो जितना जल्दी कर सकता है कर दो, तो मर्डर कर दो, मरना तो है ही है, सभी लोग मरने के लिए आए, मैं उस चीज़ से नहीं डरती। ये रोज़ रोज़ के मरने से मेरा मर्डर कर दो, इंशाल्लाह तुम लोगों को उसका अजर भी पता चल जाएगा। बट मैं इसलिए ये बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये उकसाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। एक अनजान औरत रात के 1:30 बजे पुलिस स्टेशन में जाती है, मेरे बच्चों के नाम पर FIR करती है। 15 दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है, 15 दिन बाद आज सुबह में गीता सोलंकी मैडम 3
नोटिस लेकर मेरे पास आती है और मैं घर में हूँ, मुझे फ़ोन आता है, मैं बाहर आती हूँ, काय झाला मैडम? ओ नहीं, तुमचे मुलगे वर, तुमचे दोन्ही मुलगे वर आणि तुमचे मालकावर एक लेडीनी एफ आय आर केला आहे, त्याची नोटीस आम्ही द्यायला आले. कसला एफ आय आर आहे मॅडम? ते तर आम्हाला पण माहीत नाही आहे. ती रात्रीचं धावत धावत आली, एफ आय आर घेऊन गेली. तुमच्या मुलगेला पाठवा, तुमच्या मालकाला पाठवा, आम्ही स्टेटमेंट घेऊ बघू. बरं मॅम, मी एफ आय आर केलेला 354 15 दिवस झाले. आरोपी सगळे इकडे माझे समोर फिरतात, त्यांची काय पूछताछ झाली आहे की नाही झाली? अहो मॅडम, नाही, हे तुमच्या मुलग्यांची पूछताछ झाल्यानंतर ते पण पूछताछ होणार आहे. म्हणजे हे एफ आय आर का केला गेला आहे की सलमा मॅडमने एफ आय आर किया है, सलमा मैडम पे जो बीती है उन्होंने एफ आई आर किया है, तो इसलिए अगेंस्ट में बाजू में कब्रिस्तान में रहने वाली अननोन एक औरत जिसको हम नहीं पहचानते हैं वो जाकर एफ आई आर कर रही है और पुलिस ने उसका एफ आई आर ले लिया है. और पुलिस का बोलना ये है कि जब उनकी पूछताछ होगी तो आपकी भी पूछताछ होगी. तो ये क्या चीज़ है? ये कौन सा कानून है? ये क्या संविधान है? कुछ समझ से बाहर हो गई. हम लोग मार्केट में बैठे हैं 20-25 साल से, हम लोग खुद बिजनेस चला रहे हैं, दुनिया में आते जाते हैं. ये क्या चीज़ है, क्या हरकत है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये रिक्वेस्ट करूँ, रोऊँ, या अपने आप पे घासलेट डाल के अपनी फैमिली को लेके पुलिस चौकी के बाहर जाके खुद को जला लूँ. यानी मुझे जो फैमिली विवाद हमारा साइड में रह गया है, अब तो मुझे जो भी तकलीफ है वो हमारे आसपास के लोगों से जो बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका मैं शुरुआत से पहले दिन से नाम लेती आई हूँ, और जिन लोगों से मुझे तकलीफ है उनसे पुलिस बुला के पूछती तक नहीं है. वो जो कंप्लेंट कर रही है रात के 3 बजे 1:30 बजे जाके, वो लेडीज है. तो क्या मैं लेडीज नहीं हूँ? मैं लेडीज के अलावा कुछ और दिखती हूँ आप लोगों को जो मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाती है? और अगर मेरी कंप्लेंट ली जाती है तो उसकी पूछताछ क्यों नहीं होती है? बाजी इमरान अमान शेख, ये लड़का एड्रेस देता है भाई भाई नगर का, ये रहता है देवनार में, लल्लू भाई में, ये इसका खुद का ठिकाना भी पुलिस को नहीं मालूम है, क्या वजह है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो अभी ऐसे लगने लगी है कि मुझे हरेसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से. ये लोग कभी ना कभी मुझे या मेरे बच्चों को किसी ना किसी झूठे केस में फंसाने की पूरी तैयारी में है. और इसके लिए जो लोग भी मेरे लिए खड़े होना चाहते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आगे आओ. आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है. प्रॉपर्टी विवाद जो है वो खानदान के बीच में होना चाहिए, भाई बहनों के बीच में होना चाहिए. जो रिश्तेदारों के और खून के रिश्ते में होता है उसको प्रॉपर्टी विवाद बोला जाता है. जो भी हमारी जगह है उस जगह के लिए हम लड़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, कोर्ट में डाला गया है और कोर्ट उसकी उसमें वो सब चीज़ें चल रही है और उसको हमारे वकील भी देख रहे हैं. लेकिन आसपास के लोगों को इसके बीच में घुस के हम लोगों को तकलीफ देना मेरे बच्चों के नाम पे, मैं एक चीज़ बार बार दोहराती हूँ, मेरा बड़ा बेटा आज 35 साल का है, मेरा छोटा बेटा आज 30 साल का है, मेरे बच्चे पंचगनी बोर्डिंग से पढ़े हुए हैं. आज तक मेरे बच्चों पे, जब से हमारा प्रॉपर्टी विवाद चालू नहीं हुआ था उस तक मेरे बच्चों का कोई माइकलाल एक रिकॉर्ड निकाल के बताए कि मेरे बच्चों के ऊपर कहीं एक झूठी एनसी है. जब प्रॉपर्टी विवाद शुरू हुआ उसी के बाद किसी को भी झूठा पुलिस स्टेशन भेज देते, हमारा ऐसा हो गया, वो फलाने ने ऐसे किया. अभी अब तक लड़के जा रहे थे, अब घर की औरतें जा रही है. ये ना मर्दों को देखो, इनके अंदर, मैं तो सोलो हूँ, मैं रात के 2 बजे भी अकेली घूमती हूँ और मैं मौत से नहीं डरती. अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह मौत देने वाला. लेकिन नामर्द लोग अपनी बीवियों को आगे भेज रहे कि बीवी को मारा. अरे किधर मारा, कब्रस्तान में रहता है, कब्र ना खींच ले तेरे को, अल्लाह का खौफ कर. इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हो, मौलाना बनते हो और बीवियों को भेजते हो दूसरे पे झूठे केस करने? कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम लोग क्या सच कर रहे हैं? जगह तुमको कब्र में भी नहीं मिलेगी जिस तरीके से तुम लोग कर रहे हो. मेरी सास को मारने में पूरा इन लोगों का हाथ, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है पूरा इन लोगों, कौन है, हु दे आर, बाजू की झोपड़पट्टी के, दे आर किंग. हम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं फिर? This is very bad. I am giving very humble request to CP sir. I am going to meet you tomorrow. सर अभी भी मैं बोलती हूँ, मैंने पहले भी सीनियर साहब के नाम पे काफ़ी कंप्लेंट्स किया जो कुछ मेरे साथ हुआ है. मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीपी साहब के लिए वायरल कर रही हूँ और मैं उनको जाकर ये बताऊँगी भी. इससे पहले भी मैंने जितनी भी चीज़ें, जब जो भी चीज़ें मुझे पुलिस स्टेशन से नहीं मिली, मैं बार बार
अपील करता आरटीआई करती रही, मैं अपील तक गई, मैंने कई चीज़ें अपील में जीती भी है और उसमें मुझे 12 तारीख को मीडिया ने भी कवर किया है, न्यूज़पेपर वालों ने भी, कि जहां पर मेरी जीत हुई है मिड डे पेपर में। तो आप लोग, मैं सर को यही बोलना चाहती हूँ, अपनी पुलिस को यह आदेश दीजिए प्लीज़, जो भी है आप देख समझ के लीजिए, जहाँ हम गलत हैं हम सज़ा उठाने के लिए राज़ी हैं, पर लोग जानबूझ के जो हमको कर रहे, 3 तारीख की तारीख, ये मेरा, ये देखिए, ये एक FIR मेरा होता है 5 लोगों के नाम पे, असलम कुरैशी, रुबीना कुरैशी, मोहम्मद रफीक कुरैशी, वसीम शेख जो रुबीना कुरैशी का भाई है, रहते घाटकों पर, में आके दादागिरी करके इधर जाते हैं हमारे साथ में, उसके साथ, उसके बाद इमरान अमान शेख जो पुलिस स्टेशन में खड़े रह के मुझे मारने, जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के कैमरे में वो आ रहा है, उसके बावजूद उसकी भाभी जाकर रात में 1:30 बजे, जबकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा बेटा जगह पे नहीं है, हमारे नाम पे FIR देती है, पुलिस बाजू में ही है हमारे, आके ये देखना भी ज़रूरी नहीं समझती है, NC भी नहीं लेती है, सीधा मेरे बच्चों के ऊपर FIR फट रहे। सर मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी पुलिस को आप इतना ही हिदायत दीजिए कि सच और झूठ को जानने के बाद आगे बढ़े। जिस वक्त मैं ये FIR करवा रही हूँ, देखिए मैं ऑलरेडी राजावाड़ी में, मेरा टाइम मिलेगा कि मेरे शोहर और मैं कितने बजे तक, और आप FIR का, अपोजिट पार्टी के FIR का टाइमिंग देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। मैं गाड़ी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और मैं FIR दे रही हूँ, उसके बीच मेरे बेटे के पास एक गाड़ी बिकने आई है, उसके ऊपर पत्थर मार के चले जाते हैं, उसके बाद 1:30 बजे रात में जाके हमारे नाम पे FIR करते हैं, एक दिन जाता है, दूसरे दिन उसकी बिकने की दूसरी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार के चले जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी को आग लगाना शुरू करेंगे ताकि जो हमारे पास बचा है या हम चटनी रोटी खा रहे हैं वो पूरा नर्क हो सके, क्योंकि अभी बहुत कुछ किया लेकिन देखा कि ये लोग हार नहीं रहे, तो अब हमारी, मेरी रोज़ी तो बंद करके बैठे हैं, अब अगर बेटा चटनी रोटी कमा रहा है तो वो बंद करना चाहिए, इसके लिए ये सारी चीज़ें। तो आखिर क्या कानून किसी एक के लिए ही है, या कानून सिर्फ जो लोगों ने पुलिस को अपनाया है उन्हीं के फेवर में चलता है, और हम लोग क्या है, कितना रोएंगे, 3 साल हो गया, कितना बोलेंगे, हद है, ये चीज़ें कमी नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, और 100% उन लोगों को पुलिस स्टेशन का सपोर्ट रहता है, और हमको पागल की गिनती में गिनते हैं कि साहब काय झाला, ये देखो दो दो गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारे, आओ मैडम झाला ते झाला FIR दिया, और आज 13-14 दिन हो गया, अभी तक एक छोटा पंचनामा भी नहीं हुआ, एक दो NC ली, NC लेके फाइल को बंद कर दी, आहो मैडम बगू अभी पंचनामेला यू, अरे कौन है हमको मालूम है ना, हम बोल रहे तो हमारी सुनो तो सही, नहीं सुनना है अनि का है तेनी एक कंप्लेंट के लिए, बराबर है, एक काम करा तुम्ही पण कंप्लेंट करा, का कंप्लेंट करूँ मी खोटा करणार नाही है, तुम्हाला बघायचं आहे का मी खोटा करू शकते काय, म्हणून तुम्हाला माझी पण कंप्लेंट पाहिजे काय, काय चाललं काय आहे, नाहीतर मला असं आहे, आता मी माझा जीव माझा मी माझ्या मुलांना, माझी मुलगीला, सुनांना, माझ्या नातूला काही झाला तर ह्याचा रिस्पॉन्सिबल चेंबूर पोलीस स्टेशन आहे, तेवढा मी बार बार माझे लेखीमध्ये उल्लेख केलेला आहे, जेवढे त्रास मी सहन करते, मला माहीत आहे की कोण नाही आमच्या पाठी लागला आहे, आणि 100% त्याच्यामध्ये चेंबूर पोलीस स्टेशनला त्यांचा सपोर्ट आहे। सर प्रॉपर्टी आपल्या जागावर आहे, पण इकडे एक दुसऱ्याचा जीव जायचा आहे तर पुलिस विचारू शकत नाही काय खरं आहे काय खोटं आहे, आवा मॅडम तिकडे प्रॉपर्टी विवाद आहे, मग काय बाजूवाला पण येऊन आम्हाला चप्पल मारून जाऊ शकतो का, तर इकडे प्रॉपर्टी विवाद चालू आहे, कोणी एक माणूस असा नाही आहे की येऊन बघू शकतो की काय चाललं आहे इकडे, हे काय आहे, कुठला प्रॉपर्टी विवाद आहे, प्रॉपर्टी आमची स्वतःची पण नाही आहे, माझा दीर दुसऱ्याची प्रॉपर्टी विकून बसला आहे त्याला विचारणारा कोणी नाही आहे, आणि आम्ही थोडा काय केला का प्रॉपर्टी विवाद आहे, आज मी माझी हंबल रिक्वेस्ट आहे आमचा आपसातला जे आम्ही स्वतः बघून घेऊ, पण आजूबाजूचे जे लोक आता आम्हाला त्रास द्यायसाठी सुरू झाले प्लीज सर त्या लोकाला कंट्रोल करा, उद्याच्याला इकडे काही झाला तर चेंबूर पोलीस स्टेशनला ह्याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिबल ठरवा, हे माझी हंबल रिक्वेस्ट आहे, ह्याचे पक्ष जास्त मी काय बोलत नाही आहे, तुम्ही लोक स्वतः समजदार आहे, माझी जे काय प्रॉब्लेम आहे मी तुम्हाला सांगितली आहे,
आता फक्त मी तुमची हेल्प साठी वाट बघते की याच्यामध्ये तुम्ही माझी काय हेल्प करणार आहे सर। जिस दिन मैंने एफआयआर किया, जिस दिन असलम ने मुझ पे हाथ उठाया, उस पे 354 लगा, जिस दिन मैंने एफआयआर किया उसी दिन रात में जो लेडी जाकर मेरे दोनों बच्चों के ऊपर एफआयआर करती है, उस लेडीज़ का नोटिस पुलिस अपने पास रखकर 15 दिन, आज 17 तारीख है, 3 तारीख की रात को ये कंप्लेंट हुआ है, मतलब 4 तारीख लगी है, 15 दिन के बाद आज पुलिस आकर मुझे नोटिस देती है कि आपके बच्चों के ऊपर एफआयआर हुआ। मैली मैडम कसा का एफआयआर झाला, मुलगा हॉस्पिटल मध्ये आहे। नाही मॅडम, ते तर इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे, ते आपण नंतर बघू, पण एक लेडीज आली म्हणून आम्ही एफआयआर घेतला। एफआयआर लेने के बाद भी 15 दिन के बाद आज मुझे ये कॉपी मिली है। एक एक चीज के लिए, एक एक चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। जब मैंने असलम कुरैशी ने एक दुकान का ताला तोड़ा 4 जनवरी 2019 को, तब से मैं कंप्लेंट रेगुलर कर रही हूँ कि कोर्ट में हमारा फैसला है, कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, उसके बावजूद भी इसने ये रूम का ताला तोड़ा है। उन लोगों को मेरे एप्लीकेशन देने के बाद, ऊपर से लेटर आने के बाद, उसको बुलाकर उसका स्टेटमेंट हुआ। फिर मैंने जाके पूछा कि सर क्या हुआ, तो आला होता का है, काय डॉक्यूमेंट सबमिट केले त्यांनी, नाही त्यांनी फक्त जवाब दिला आहे। जवाब दिला आहे तर मी आरटीएमध्ये गेले, आरटीए टाकला की सर मला ते जवाबची कॉपी द्या, जवाबमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, तर नाही त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं आहे की तुम्हाला त्याचे काय डॉक्युमेंट देऊ शकत नाही आहे। फिर मैं उसके बाद सेकंड अपील में गई, जो डीसीपी के साथ हुआ। फिर डीसीपी के बाद वापस मैं मंत्रालय 13 माले पर अपील में गई कि सर मैं एक स्टेटमेंट मांग रही हूँ, जबकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हर दिन एक दुकान का ताला तोड़ के घुसता है कोर्ट में रहने के बावजूद भी, तो सर मुझे एक उसका उसने क्या लेखी दिया, क्या डॉक्यूमेंट दिया। नहीं मैडम, आम्ही देऊ शकत नहीं। जब मैं मंत्रालय 13 माले पर गई, किसी हर किसी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी किसी को आरटीए में जाना है तो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, फर्स्ट अपील एसीपी तक होता है, सेकंड अपील डीसीपी तक होता है, सिर्फ पुलिस स्टेशन की हद तक रहता है। आप लोग कभी भी थर्ड अपील तक जाएं, मंत्रालय 13 माले तक जाएं, आपको इंसाफ मिलता है। वहां जाने के बाद जब आदेश हुआ कि लेडी जो मांग रही है, अगर तुम्हारे पास पेपर है तो दिए क्यों नहीं जाते, आप उसको ये पेपर दो, तो मैंने 4 जनवरी 2019 से मैं लड़ रही हूँ, और अब जाके 15 तारीख को अपील के ऊपर उसने जो भी झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, क्योंकि दुकान में आके रह रहा है, वहाँ लाइट नहीं है, कमर्शियल से लाइट ले लिया, पानी दूसरे के यहाँ से ले लिया, कमर्शियल प्रमाइसेस में दादागिरी करने के लिए आके रह रहा है, ये सब जो एग्रीमेंट उसने बताया है, एक पैसे का नहीं, सारा झूठा झूठा, ये अब जाके पेपर मेरे को मिले हैं। तो मतलब पुलिस की तरफ से मुझे ये हरेसमेंट है। अगर ये एक डॉक्यूमेंट पुलिस मुझे उसी वक्त दे देती आरटीए में, तो शायद मुझे मेरे 6 महीने ख़राब नहीं होते कि मैं अपील तक जाती। मैं अपनी परेशानियाँ, मैं हारने वालों में से तो नहीं हूँ, मैं जब तक मरूँगी नहीं, जब तक मैं हारूँगी नहीं। और मेरी अपनी एक आदत है कि जब मैंने गलत नहीं किया और कोई प्रॉब्लम मेरे तक आ गई, तो मैं हमेशा यह सोचती हूँ इसके पीछे कोई अच्छा ही है और इसमें मेरा कोई भला होने वाला है, क्योंकि ना मैंने गलती की है, ना मुझे उसकी सज़ा लेनी है। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस बढ़े, मैं बहुत कुछ सीख गई इसके बीच में, लेकिन इतना परेशान करना ठीक नहीं है, ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ। ऐसे ये लोग मेरे साथ करते हैं। और 2017 में इमरान अमान शेख, मुश्ताक अमान शेख हमारी दुकान में घुस के मुझे और मेरी देवरानी को मारा, मेरी देवरानी के कपड़े फाड़े, और उस पर केस नंबर 85 और केस नंबर 86 दो केस नंबर हुए। हमने मार खाया, पर हमारे से पहला इमरान अमान शेख का कंप्लेंट हमारे ऊपर हुआ। हमारी दुकान, हम मार खा रहे हैं, हमारे कपड़े फट रहे हैं, पर कंप्लेंट किसका पहले हो रहा है, केस नंबर 85 नंबर इमरान का, जो हम पे कर रहा है। उसके बाद मैं अब बार बार आरटीए डाल रही हूँ, बार बार अपील में जा रही हूँ, है नहीं सांगितला ये दुकान ऐसा है, हाँ इतपर्यंत आला सर त्यांनी काय डॉक्युमेंट सबमिट केले आहे ते तरी आम्हाला द्या, आमच्याकडे डॉक्युमेंट काय नाही, आम्ही मारामारीची कंप्लेंट केली। अरे मारामारी झाली का, माणूस वेळेत नाही झाले, तो राहतो कुठे, गोंडीला, इकडे आला आमच्या दुकानात शिरला, आम्हाला मारला, पण काय बेसवर मारला, तो एफआयआरमध्ये सांगतो की हे दुकान माझी आहे,
तो बाबा तुझी दुकान है तो पोलिसांचं काम नाही आहे की बाबा डॉक्युमेंट काय आहे तुझ्याकडे तुझी दुकान आहे. आम्ही इकडे 70 वर्ष आमचे सासू सासऱ्याला झाले, आम्ही स्वतः लग्न होऊन इकडे 35 वर्षांनी राहतात. आमची दुकान, आमच्या मालकीची दुकान, आमच्या आईबापाची दुकान, त्याच्यामध्ये शिरून आम्हाला मारतात पण आम्हाला आरोपी पण करतात. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा 85 केस नंबर आणि आमचा नंतर घेतलेला 86 मार खाणाऱ्यांचा आणि 85 केस नंबर ज्यांनी केला आहे त्यां लोकांकडे काहीच नाही. मीडियाला माझा आमंत्रण आहे, माझी इन्व्हिटेशन आहे. अजून 24 तारखेला हे केस कुर्ला 11 नंबरमध्ये आहे आणि 2:45 हे केस असतं तर आम्ही तिकडे असणार. कोणी मीडिया आम्हाला हेल्प करायला यायचं असेल तर तिकडे येऊ शकतो. जो भी मीडियावाले हमारी मदत करना चाहते, कुर्ला कोर्ट 11 नंबर में हमारा 24 तारीख को फिर ये केस है जिसमें हमारे स्टेटमेंट हो रहे हैं. हम मार खाने के बाद वो लोग हमारे सर पे बैठ रहे हैं. अब कोई भी मीडिया आके इसको कवर करना चाहती है तो कर सकती है. मैं आप लोगों की शुक्रगुजार.